एवरीवन, दिस इज़ मी समन सिमरन। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद समन सिमरन। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी थर्ड ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपने रीजन की सबसे बेस्ट रेसिपी के बारे में कुछ शेयर करूँगी। तो सुबह मैं आ गई थी अपनी बालकनी में, क्योंकि मुझे बालकनी में सुबह आना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। वैसे तो फॉग नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ हवा चली है जिसकी वजह से 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। एंड आप देख ही सकते हो सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। और ये रही बाहर की फुटेज। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रह पाऊँगी, तो मैं वापस से जा रही हूँ अपने रूम में। एंड उसके बाद चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे मिल्क को उबलने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ मैंने इस तरफ अदरक वाली चाय भी बना ली है सबके लिए। एंड यहाँ से भी आप देख लो बाहर का नज़ारा। सो ये रही मेरी प्लेट। तो मैंने यहाँ पे चस्का मस्का बिस्किट्स डाल दिए हैं, जो कि मेरी चाइल्डहुड फेवरेट है। वैसे आपकी कौन से बिस्किट फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ कुरकुरे और भुजिया भी ले लिया था मैंने। सर्व तो कर लिया मैंने, चलो अब खा लेते हैं इसे जल्दी से। चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में पढ़ने के लिए, बिकॉज़ आज काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अपनी रूटीन को नहीं गड़बड़ाते हुए मैं पढ़ लेती हूँ। अपने कुछ ब्लॉग्स को कंप्लीट करना था मुझे, तो मैंने उसमें से एक ब्लॉग को कंप्लीट कर लिया। फिर मैं आ गई थी किचन में और अम्मी यहाँ पे बना रही थी चने के दाल के पकौड़े। वैसे तो ये रमज़ान में बनते हैं, रमज़ान में तो ये कंपलसरी होते हैं, लेकिन आज हमें मन था खाने का, तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए। एंड यहाँ पर कुछ पकौड़े बन भी गए थे, मैं चली सर्व करने। और ये रही मेरी प्लेट। मैंने यहाँ पे चूड़ा फ्राई डाल दिया था, मूढ़ी, और उसके साथ पकौड़े और चने की कड़ी। मैंने इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से, जो मैंने ब्लॉग कंप्लीट किया था उससे कुछ मुझे नोट्स भी बनाने थे। तो नोट्स बनाने के साथ साथ मुझे आपसे एक बात भी शेयर करनी थी, वो ये कि जो मैंने इंट्रो में बोला था कि आज मैं आप सबके साथ अपने रीज़न की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। तो बेसिकली मैं बिहार के सीमांचल एरिया से बिलोंग करती हूँ, एंड वहाँ पे सर्दियों में एक नहीं दो रेसिपीज़ होती है। तो एक होता है भक्का एंड दूसरा पीठा होता है। तो आज मैं आपके साथ भक्का की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैं फुल रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वैसे तो ऑल इंडिया पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी बंगाल एंड बिहार में देखा जाता है। तो बंगाल में इसे गुड़ के साथ बनाया जाता है, एंड वैसे भी बहुत सारे वेरिएशन आ चुके हैं, लेकिन जो हम खाते हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप भी इसको ट्राई करोगे तो आई एम श्योर यू विल लव इट। तो यहाँ पे आ गई थी मछलियाँ, एंड मुझे मछलियाँ पहचानी नहीं आती है। फिर ये साफ ऑफ हो गई थी, तो मैंने इसे फ्राई कर लिया था, और ये सारी मछलियों को मैंने फ्राई कर लिया है। एंड ये बैगन के साथ बनने वाली है, इसके लिए बैगन और गोभी के साथ मछली बनती है, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसे आलू के साथ बनाओगे तो अच्छी नहीं लगती है। एंड यहाँ पे बैंगन भी आ गए थे, तो अम्मी इसको कट कर रही थी। अगर कोई भी सीमांचल से देखो इस तमोल्ड वीडियो ज़रूर शेयर करी। तो ये थी मेरी रीजनल लैंग्वेज। तो बेसिकली मैं अपने एरिया की इस रेसिपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ताकि लोग इस रेसिपी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। बैगन की चॉपिंग हो चुकी है, एंड अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे भिगोया गया है चावल, ये है अड़वा चावल, और इसको अब पानी से निकाल लिया गया है, और ये थोड़ी बहुत ड्राई होने लगी है। तो अब बनने वाला है इसका पाउडर। तो ये जो रेसिपी है ये बनती है राइस फ्लावर से। इस ब्लॉग को देखो, और अगर आपको ये स्टेप्स अच्छे लगे, इस रेसिपी के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फुल रेसिपी विद डिटेल्स आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। और ये बन रही है राइस फ्लावर, और ये बन गई है राइस फ्लावर। तो अब हम इसे थोड़ा सा छान लेंगे, ताकि जो इसके चावल वाले पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। वो स्टेप हो गया था पूरा, एंड मैं आ गई थी आग तापने, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब होने वाला है दूसरा प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है टूकना। और अम्मी वो कर रही थी, तो मैं आ गई आप सबको ये मछली की कड़ी दिखाने। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। के लिए आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ छोटी मछली ही ट्राई करो, आप बड़े मछली के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हो। और ये है आलू बैगन की कड़ी, जो कि भक्का एंड पीठा की जान होती है। बहुत लोग तो इसे बस इसी के साथ खाते हैं, लेकिन ये अगर आप फिश के साथ भी खाओगे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। तो हमारे यहाँ पर दोनों ही बनी थी, एंड यहाँ पर अब अम्मी जा रही है भक्का बनाने के लिए।
देखा जाए तो ये स्टीम्ड राइस केक है। और अब भक्का बनेगी, इसको बनने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि एक कटोरी लो और उसमें ये जो टूका हुआ होता है फ्लावर, उसको डाल दो और इसे अच्छी तरीके से हम डालेंगे। बस इसे हमें प्रेस नहीं करना है, अगर आप इसे प्रेस कर दोगे तो ये बिल्कुल इसका परफेक्ट टेक्सचर नहीं आ पाएगा, अजीब सी हो जाएगी गुठलियों वाली। कटोरी में ये फ्लफी सी होनी चाहिए। एंड इसको फिर से मम्मी ने डाल दिया बनने के लिए और आप देखो ये बन रही है। एंड ये अब कुक हो चुकी है, तो अब आप देख सकते हो उसको मम्मी अनरैप कर रही है। एंड ये तैयार है और अब इसे हम कर रहे हैं सर्व। और इसी बीच यहाँ पे मैंने मछलियों को भी सर्व कर लिया था और अब चलते हैं खाने के लिए। तो भक्का की एक और बात ये है कि आप इसे होल फैमिली एक साथ बैठ के नहीं खा सकते, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो मम्मी किचन में बना रही थी और मैं आ गई थी आग तापने के लिए, और इसी बीच पापा और भैया लोग खा रहे थे। एंड यहाँ पे फिर मैं आग का लुत्फ ले रही थी, और जब उन लोगों का हो जाएगा तो मैं बैठ जाऊँगी खाने के लिए। बहुत हो गया, चलो अब खा लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए प्लेट, तो मैंने रख दी है सबसे पहले आलू बैंगन की कड़ी, और उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ ये फिश एंड बैंगन की कड़ी। वैसे अगर आप लोगों में से कोई सीमांचल से देख रहा है इस वीडियो को, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है, भक्का या पीठा। सर्विंग हो गई और ये रहा भक्का, तो चलो अब इंजॉय करते हैं भक्का को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।